हल्द्वानी में पिछले लंबे समय से लगातार वनों में लग रही आग की घटना इन दिनों थम गई है, क्योंकि वन विभाग ने जंगल में आग लगाने वालों पर मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी के जंगलों में आग लगने के कारण वन संपदा को काफी नुकसान हुआ, वहीं इससे वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में आग को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। वहीं जंगलों में आग लगाने के आरोप में अब तक 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी, वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रू स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है। और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।